हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी उपकार क्लासेस पर। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैथ के छोटे छोटे चिन्ह सिंबल और तमाम छोटी छोटी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बतलाया, अगर उन वीडियो को आप ना देखा हो तो जाकर चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। और आज का टॉपिक इकाई अंक ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में से इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करते हैं और प्राप्त मान के इकाई अंक को पुनः लेकर इकाई अंक से गुणा कराते हैं, मान प्राप्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 143 गुणे 412 गुणे 128 गुणे 713 गुणे 926 गुणे 213 के इकाई अंक का मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लगते हैं देखने में, लेकिन हल करना बिल्कुल आसान होता है। आइए हम सिखलाते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 143 412 इंटू 128 इंटू 713 इंटू 926 इंटू 213। इकाई अंक इसका लेते हैं और इसका, दोनों को आपस में गुणा करते हैं, जैसे 3 × 6, और फिर प्राप्त मान को फिर इकाई अंक से गुणा करते हैं, जैसे 8 × 6 = 48। इकाई अंक लिखकर इसके बाद फिर इकाई अंक से गुणा करते हैं, 8 × 3 = 24, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, यानी 2 आंसर प्राप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार हल कर लेंगे। 142 गुणे 113 गुणे 227 गुणे 315 के इकाई का अंक क्या होगा। 142 गुणे 113 गुणे 227 गुणे 315, इसका भी इकाई अंक लेंगे और इसके बगल वाली संख्या का इकाई अंक, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 3 × 6 = 42 × 5 = 10, अगला क्वेश्चन 228 गुणे 253 गुणे 74 गुणे 46 गुणे 9 गुणे 8 के इकाई अंक का मान होगा। क्वेश्चन को लिखते हैं, 228 गुणे 253 गुणे 74 गुणे 46 गुणे 9 गुणे 8, 8 × 3 = 24, 4 × 4 = 16, 6 × 6 = 36, 9 × 6 = 54, 8 × 6 = 32, 2 आंसर हमें प्राप्त हो गया। टाइप 2, इसमें x का मान जो है निकालना होता है। 142 गुणे 113 गुणे 227 गुणे 452 गुणे x के इकाई का अंक 6 हो, यानी x के इकाई का अंक 6 हो, तो x का मान क्या होगा। 142 गुणे 113 गुणे 227 गुणे 452 गुणे x, 3 × 6 = 42, 2 × 4 = 4,
गुणे एक्स, एक्स के इकाई का अंक 6 है, तो 4 का गुणा हम जब 4 बार करेंगे तो इकाई का अंक हमें 6 प्राप्त होगा, 16 आंसर प्राप्त हो जाएगा। जी दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।